आज देखो मैं क्या बन के आई हूँ। मैंने मम्मा को बोला, मैंने बोला मम्मा ज्यादा तो नहीं लग रहा ना। मम्मा बोले हाँ रील्स के लिए ठीक है। मैं हंसने लग गई फिर। सो मैं सूट पहन के आई हूँ, झुमका पहन के आई हूँ, और ये ना सेट मैंने लिया था बर्थडे से पहले, सो वो भी पहन के आई हूँ। और ये तो मैंने बर्थडे में ही पहने थे यहाँ आने के लिए। सो ये दुपट्टा ना मेरी सिस्टर का, मतलब मैंने मेरी जो वो छोटी सैंडी है ना, ये दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। लाइक मैं फ़ोटो खींच के आ गई हूँ पर कोई भी अच्छी नहीं आई यार। कैसे चिच्चू खींची नहीं होती, एक बेकार सी खींच, मतलब दो खींची है सिर्फ टोटल। फिर मैं नीचे आ गई, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। अभी मैं घर जाके मिलूँगी क्योंकि मेरा सर ऑफिस ही है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी। तो घर मिलते हैं। कैसे छन छन कर रहा है, कितना क्यूट लगता है ना यार ऐसे, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। छन 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 करती जा रही हूँ मैं। ना देखो मुझे हम सताए हुए हैं। सो आज मेरा सर नहीं आया पता नहीं क्यों, लेकिन कल आएगा। वो मेरे से झूठ बोल रहा है कि मैं मोड़ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है वो इधर किधर ही है। या तो भी इवनिंग तक आ जाएगा या फिर कल आएगा। चलो फोटो शूट कर ले अब तो अच्छे से। सो मैंने कांटे उतार दी है अपने, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं करती, ठीक से। लाटू घूमने गया हुआ था, अभी हमारा लाटू आ चुका है। छोटी कल करना, छोटी खड़े। यार ये रियलिटी में इतनी ज्यादा सुंदर है ना, इतनी ज्यादा, और वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं आती। छोटी मैं ज्यादा क्लोज नहीं कर सकती ताकि इसके फेस पे फ्लैश ज्यादा ना पड़े आंखों में और ये चुंदे हाँ ना जाए। छोटी हाय कर दो, हाय कर दो छोटी, देखी कितनी क्यूट है छोटी, मार छुट्टा छोटी दे। ओए सारे काट ले ए मुंह से ना पानी ले ले दे तो। मैं सैटरडे चला जाऊंगा, मिलो अभी मेरे को जितना मिलना है। फिर मत बोलोगी मेरे को कोई याद आ रही है। चले माऊ छोटी गल्लू। मैं बना रही हूँ मैगी और साथ में बन रही है कढ़ी। मेरी मम्मी सारी चीजें बहुत ज्यादा स्वाद बनाती है और कढ़ी का तो लाजवाब फेरती। और मैं ये मैगी नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ पता नहीं कौन सा ब्रांड है यार, ये मसाला पता नहीं, वेरी वेरी टेस्टी न्यूडल, टेस्टी होते भी हैं नहीं ट्राई। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और मैगी मसाला डाल दिया और मैंने ना ये भी डाल दी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे को, ये था कि थोड़ा फ्लेवर जो है ना अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी कि ये जलू गुंगिया खाने के लायक बनता है या फिर गुंगा मुशुंगिया बनता है, सोच लो। और इसको थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए मैंने अपनी बहन का ये जो चीज़ है वो चोरी कर लिया है, ठीक है, चोरी नहीं है, उसे मांगा है और उसने मतलब तेल दिया कि जो बहुत अच्छी है। देख लो मैंने इसको थोड़ा टेम्पटिंग बना दिया और मेरे पास प्लेट ना दूसरी नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खलारा बचा हुआ और मेरे को ये प्लेट मिल गई, यही बहुत ही अच्छी बात है। यार यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, दिख रहा है आपको? ची ममरवागणी के निवो समय समुंजी सुंदरिया माँ सुख मथरियो माँ चित्री खा, मेरे को नहीं समझ आ रहा। So let's eat this. यार मैगी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी सच्ची, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही।
और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मोल्ड जो मेरा आ चुका है, जो मिसिंग था ना एक मोल्ड वो आ चुका है और मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा वो मोल्ड, मेरा दांत इतना ज्यादा दुखता है, इतना ज्यादा नॉर्मल पानी में नहीं पी सकती मैं, और मेरे को अपना मीठा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर मैं जीना चाहती हूँ तो। सोना सो यूपी मैं अपने बचपन का ना पार्ट टू पक्का बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ और मैं लिख के रखूंगी कि ये चीजें मैंने आपको बतानी है। तो जो मैंने नया मोल्ड लगाया ना, कहाँ गया वो, ये रहा। तो यार मटीरियल जो कम था, जो इंस्टेंट सूखने वाला मटीरियल था, ठीक है। सो आज मैं ये सीमेंट लेके आई हूँ, जेके है ये वाला, बिरला से ज्यादा अच्छा ये वाला जेके वाला है। सो ये जो मोल्ड है ना, ये आधा मतलब मटीरियल जो इंस्टेंट सूखने वाला था वो कम था मेरे पास, तो आधा ही बना ये देखो, और यहाँ से इसे बना है। सो वैसे ये खूबसूरत बना है, अच्छा बना यार, और काफ़ी लाइक पता नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे ही है, इतना सुंदर है ना यार, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई लव इट। सो जल्दी इनके फोटोशूट भी आएंगे, और कल तक मेरा स्टोर रूम खाली हो जाएगा, फिर मैं नीचे बैठ के करूंगी और एक सुबह बैच बनाऊंगी, एक रात को बैच बनाऊंगी। ओके सो अभी हम बर्तन धोने जा रहे हैं, ठीक है यार। मैं आज आपको दिखाती हूँ बर्तन मांजती हुई आशु। आपने हमेशा मेरे को वैसे तो हमेशा तो नहीं, हाँ आपने मेरे को हर सिचुएशन में देखा, लाइक सुबह उठते हुए गंदी शक्ल में, रोती हुई शक्ल में, किरली जैसी शक्ल में, हर शक्ल में देखा है। तो चलो बर्तन धोते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बर्तन है इतने सारे, और मम्मी मेरे को पता क्या बोली थी, आज सिर्फ दो ही पलेटे हैं मांजते, हमारे घर की दो पलेटे। सो जो वहाँ पे सीमेंट वाली दीवार देख रहे हो ना, ये हमने मतलब अभी रेनोवेट करवाई है, रेनोवेट हुई नहीं है, करवानी है अभी। तो यहाँ पे मैं बर्तन मांज रही हूँ, और मैंने 7 मिनट में बर्तन मांज लिए थे यार, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे से इतने बर्तन धोए ना कि मैं कुछ जितने मर्जी बर्तन दे दूँ गर्मियों में, मैं बहुत जल्दी उसको चकाचक कर देती हूँ। सो मैंने 7 मिनट में सारे बर्तन धो दिए थे, मैं सारा नहीं शूट कर पाई क्योंकि बैटरी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अभी मेरे बर्तन ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, ठीक है, मैंने खाली कर दिया है बिल्कुल, यहाँ पे बर्तनों के ढेर लग चुका है जो बर्तन मंजे हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, होप यू आर इंजॉयिंग दिस व्लॉग। वैसे कुछ खास नहीं था आज के ब्लॉग में, बट फिर भी इंजॉय करा है, सुनने तो लाइक कर दे रहा हूँ। बाय बाय।